रानी को, रानी मैडम जी को मारा रानी ने भाई। ओए अंडे तो एक पड़ा हुआ दिया भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, ये अंडे दे दिए भाई इसने, एक एक दिया आज तो माशाल्लाह से बहुत बेहतर क्लास का अंडा दे दिया इन लोगों ने। हम ये चाहते हैं कि हम जो है ना अपने पिजन के नीचे रख देते दोस्तों, तो उसके नीचे क्या रिजल्ट आता है वो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो यार दोस्तों आज जो है ना तुम्हारा भाई धूप में बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है भाई, और जो है ना इसलिए थोड़ा धूप भी लेना चाहिए। तो चले आए थोड़ा धूप में बैठ गए, अब हम चलने लगे हैं अपने गेज के अंदर। तो भाई माशाल्लाह माशाल्लाह सब्जी वब्जी काटी हुई है सारी, और परिंदे हमारे खुले में भाई, कबूतर गैंग तो खुले में, ये क्या सीन है। अच्छा भाई सब्जी काट दी है भाई ने, ओह भाई हमारे चीनी गैंग देखो दोस्तों, माशाल्लाह से चीनी गैंग भाई कल जो है ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी चीनी गैंग की, उसमें देखो एक माशाल्लाह से जो है ना अभी सेट है वो, और हमने जो है ना इसके अंदर बल्ब लगा दिया है और हीट हो रही है अंदर, तो उसमें जो है ना इनको मज़ा आ रहा है। देखो यार माशाल्लाह अभी सेट हो गए माशाल्लाह से, जल्दी से आ जाओ भाई बाहर, बाहर आ जाओ, चलो आओ 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 आओ, पार्टी है जल्दी आओ भाई। ये भी बाहर आ गए, और कबूतर जैसे चीनी गैंग आते तो ओढ़ के वो ऊपर, ये इधर ऊपर, ये दोनों की जोड़ी लग गई है। मगर दोस्तों अंडे शंडे नहीं आ रहे भाई, खाली पड़ा हुआ अंडे का जो है ना नेस्ट तो इन्होंने बना लिया है, मगर जो है ना ये देख सकते हो यार खाली है बिल्कुल, देखो ये खाली है। और जो हमारी एक वाइट वाली थी उसने तो एक एक दिया हुआ है, तो चले देखो ये ब्लैक डायमंड उड़ रही है भाई ऊपर 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 ऊपर, कहाँ जा रही है। चलो भाई मज़े करो खाओ पियो। चलो दोस्तों एक्स और बनी को खोला है, तो देखो यार ये लूसन सूखा हुआ लूसन है, ये भी खा रही है भाई, बड़े शौक से खाती है माशाल्लाह। तो भाई ये तो आप लोग ये खा रहे हो एलेक्सा और बनी, चलो जाओ वहाँ पे हरा हरा देखो सारा मैंने वहाँ पे रखा हुआ है, जाओ जल्दी से वो खा लो, आपके लिए सारा निकाला हुआ है वो भाई। एलेक्सा और बनी को तो यही इसी में मज़ा आ रहा है भाई, ये खाने दो इनको ठीक है। और हम ना अपने रानी को भी निकाल देते हैं बाहर, रानी आप भी बाहर आ जाओ जल्दी से, और हम निकालने वाले हैं अपनी मैडम जी को। मैडम जी आप भी बाहर आ जाओ, मैडम जी भी बाहर आ जाओ। शेरू आपको हम नहीं निकालेंगे भाई, क्योंकि आप जो है ना तंग करते हो अंकल और आंटी को, अंकल और आंटी के साथ आप जो है ना लड़ाई करते हो भाई, फाइट हो जाती है आप लोगों की इस वजह से। चलो आ जाओ आपको बाहर निकालूं मैं, शेरू आपको आना है बाहर, बताओ ना। आज तो तबीयत बेहतर है शेरू आपकी, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई शेरू की तबीयत तो बेहतर है दोस्तों। आ जाओ शेरू बाहर आओ। मैं नहीं आता बाहर, मैं लड़ाई करता हूँ ना, मैं फाइट हो जाती है मेरी अंकल आंटी से। मैं नहीं करता हूँ, अंकल आंटी खुद फाइट करते हैं मेरे साथ। अच्छा अच्छा तो नाराज क्यों हो रहे हो, आ जाओ आप, खाना वाना खाया नहीं खाया? सुबह चावल डाला था तुमने, वही चावल खाया है, और अभी तो बहुत भूख लग रही है, जल्दी से बाहर निकाल दो। नहीं भाई मैं आपको बाहर नहीं निकालता भाई, मैं इसको बाहर नहीं निकालूंगा दोस्तों, इसको बाहर निकाला ना ये अंकल आंटी के साथ फाइट करेगा, तो सारा निज़ाम धर्म भरम कर देगा, जितनी भी हरी सब्जियां है ना ये सब फेंक देगा भाई, तो तभी जो है ना मैं नहीं निकालता हूँ इसको बाहर, आप अंदर ही रहो। नहीं निकालो बस, सही है कोई बात नहीं, मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊँगा फिर। अच्छा भाई ठीक है आप नाराज़ हो जाओ, मसला नहीं है मुझे, उससे कोई टेंशन नहीं है भाई, इतने बड़े बड़े कांटे, आप किसी से नाराज़ क्या हो ना, आपने किसी के साथ मोहब्बत भी कर लेनी है तो बस खूनम खून हो जाएगा भाई, नहीं करना इसके साथ। बाहर मैंने इतनी सारी सब्जियाँ डाली है, बाजरा भी डाला है, ये दोबारा से अंदर आ गए, मुझे लगता है दोस्तों ये जो है ना अपनी एलेक्सा और बनी है ना, एलेक्सा और बनी से ना हमारे जो पिजन गैंग है ना वो डरते हैं, क्योंकि यार दोस्तों वो मैंने इनको बाहर छोड़ा वो खा रहे थे, जब तक के जब ये अपने अपना एलेक्सा और मैडम अपना एलेक्सा और बनी बाहर नहीं थे तो सही थे, जैसे ही एलेक्सा और बनी को बाहर निकाला है तो ये निकल के बाहर आ गए। ये देखो एलेक्सा वहाँ जा रही है और बनी पता नहीं क्या खा रहा है। ये लो बनी आपके लिए मैंने लेकर आया हूँ, ये लो बन गोभी के पत्ते, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, जल्दी से खाओ ये लो माशाल्लाह। तो दोस्तों जो है ना हमने एलेक्सा और बनी के लिए ना यार घर भी बनाना है, इनके लिए न्यू होम बनाना है, तो वही सोच रहे हैं यार, तो हम क्या करें कहाँ पर बनाएं, यहाँ पे हमने डिसाइड करा था ये सामान सारा नीचे चला जाएगा, मगर यार थोड़ी सी ना जगह तंग हो जाएगी, तो हमने सोचा कहीं और भी बनाने का, हो सकता है हम ये वाले पिंजरे पे जो लास्ट वाला पिंजरा इसमें थोड़ा सामान पड़ा हुआ ये निकाल के इसके अंदर हो सकता है हम एलेक्सा और बनी के ना हम घर बनाएं, तो यार जल्दी जल्दी से इनका घर भी बनाना है, तो यार क्या करें बस बहुत ज़्यादा फंसे हुए थोड़ा सा, तो इंशाल्लाह एक आध दिन में ना इनका घर भी तैयार हो जाएगा वो, और हम इनको अपने इनके नए न्यू होम पे भी शिफ्ट कर देंगे। रानी क्या हुआ डर गई हो क्या?
मैं डर गई हूँ, मैं नहीं आती बाहर, क्योंकि मैडम जी को आपने बाहर निकाले ना, मैडम जी जो है ना मेरे साथ फाइट करेगी, तो मैं नहीं आती बाहर। अरे यार आपने, आप क्यों डर रही हो, आ जाओ बाहर, आ जाओ, चलो आओ आओ, आपको कुछ भी नहीं बोलेगी मैडम जी, जल्दी से आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बाहर, आ जाओ आ जाओ, शाबाश शाबाश। अरे भाई हाँ मैं नहीं डर रही, मैं आ गई बाहर, अब क्या करूँ, अब नीचे जम मारने में डर लग रहा है। तो कोई मसला नहीं है मैडम जी, कोई नहीं, कुछ नहीं करेगी यार, मैडम जी से डरती है और मेरी बात कितनी मानती है, देखो ये आ गई, मैडम जी तो तुम्हारे से खुद डर रही है रानी, मैडम जी को तो तुम खुद मारती हो यार, ये देखो मैडम जी डर के यहाँ पर आ गई। दोस्तों जाओ जाओ मैडम जी वहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाओ, जाओ रानी के साथ दोस्ती कर लो। भाई इन दोनों की बनती ही नहीं है, क्योंकि देखो अभी जैसी रानी बाहर आई है ना, मैडम जी वहाँ से शार्ट हो गई, वहाँ से आगे पीछे हो गई, भाई बहुत ज़्यादा डर लगता है उसको। आंटी भी बाहर आने के लिए बेताब है, मगर मैं दोस्तों मैं इसको बाहर नहीं निकालूंगा आज, क्योंकि भाई इनकी फाइट होती है फिर, ठीक है, ये जो है ना अंकल आंटी जो है ना तंग करते हैं, तो इनको अंदर ही रहने देते हैं आज। हमारे बिट्टू गैंग कैसे हैं, माशाल्लाह देखते हैं यार, माशाल्लाह माशाल्लाह, बिट्टू गैंग कैसे हो, ठीक हो भाई, बिट्टू गैंग तो सेट है, अंडे शंडे दे दो भाई, वो अंडे तो एक पड़ा हुआ भी है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। दोस्तों ये अंडे दे दिए भाई इसने, एक एक दिया आज तो माशाल्लाह से, बहुत बेहतर क्लास का अंडा दे दिया इन लोगों ने, ये देखो यार माशाल्लाह बिल्कुल हार्ड है, सेट है बिल्कुल, ये देखो दोस्तों कितना प्यारा लग रहा है यार। तो दोस्तों आज हमने ये सोचा कि यार इसको जो है ना हम मशीन में रख देते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग, मशीन में रख दें भाई? यार दोस्तों इसको हम मशीन में नहीं रखेंगे, हम इसको रखेंगे किसी और जगह। अब आप सोच रहे हो किसी और जगह कहाँ पर, भाई मशीन में तो कुछ अंडे हमने रखे हुए हैं, उसमें से जो रिजल्ट आएगा वो तो हमें पता चल जाएगा, मगर हम ये चाहते हैं कि हम जो है ना अपने पिजन के नीचे रख देते दोस्तों, तो उसके नीचे क्या रिजल्ट आता है वो देखते हैं, अपने बिट्टू गैंग के जो बेबी है निकालते हैं या नहीं, तो इनके नीचे रख देते हैं हम, तो ये वाले पिजन के नीचे वाइट डायमंड के, तो देखते हैं भाई ये इस एग से अंडे बच्चे निकालता है बेबी या नहीं, तो भाई माशाल्लाह देखते हैं। चलो इसके नीचे हम रख देते हैं दोस्तों, ये मैंने रख दिया है, ये दो अंडे पड़े हुए, ये देखो एक इसके अपने पिजन के और एक बटेर के हमारे बिट्टू गैंग के, तो भाई बैठो माशाल्लाह, भाई इन्होंने एक्सेप्ट करा है या नहीं करा है ये देखते हैं दोस्तों बाद में, ठीक है, अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं कर रहा है ये, तो ये तो बाद में पता चलेगा इसने ये एक्सेप्ट कर लिया है या नहीं किया, जो फेंक देगा तो पता चल जाएगा। तो रख दिया हमने माशाल्लाह से, फिर देखते हैं आगे जाके इसकी बेबी निकालते हैं नहीं निकालते बिट्टू गैंग के। ओए रानी को, रानी मैडम जी को मारा रानी ने भाई, बहुत खतरनाक अटैक कर दिया यार, ये तो बहुत ही खतरनाक है यार, ये देखो हमारी रानी ने बहुत ज़ोर से मारा यार हमारी मैडम जी को, यार लग गया यार इसको तो, यार दोस्तों देख सकते हो आप यार, यार मैं तभी इन दोनों को एक साथ नहीं छोड़ता हूँ यार, आज मैंने सोचा कि इनकी दोस्ती फ्रेंडशिप हो जाएगी, तो यार इनकी आज जो है ना लड़ाई हो गई, फिर से फाइट हो गई भाई, मैं इसको अंदर रख देता हूँ अपने शेरू के पास ही, ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पे हम शिफ्ट कर देते हैं वापसी दोबारा, भाई आप लोग बाहर नहीं निकलो, आप लोगों की आपस में बनती नहीं है भाई। रानी आप तो बहुत बैड गर्ल हो यार, आप क्या कर रही हो यार, आपने हमारी हमारी मैडम जी को मारा इतनी ज़ोर ज़ोर से यार, दोस्तों इन दोनों की आपस में बनती नहीं है भाई। और दोस्तों ये मैंने लूसन थोड़ी बची दी है, मैंने एलेक्सा और बनी को डाल दिया है, और जो है ना थोड़ी सी लूसन ये है कि हम अपने अपने बजीज को भी डाल देते हैं, ये बजीज बहुत शौक़ से खाते हैं, कल भी डाला था यार थोड़े बच्चा, मैंने बोला ये भी डाल दो ताकि जो है ना खाए यार हरा भरा थोड़ा सा माहौल बने, और जो है ना बच्चे अंडे बच्चे अंडे बच्चे आए यार। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा यार किस तरह से हमने बिट्टू गैंग का एग जो है ना हमने पिजन के नीचे रख दिया यार, तो वो भी देखते हैं क्या होता है फाइनल। तो यकीनन आपको हमारी वीडियो आज की पसंद आई होगी, अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो शेरी मुंडे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बजाना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे, शेरी मुंडे अल्लाह हाफिज़।